पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ड्रामे से कम नहीं है, आप इसको ड्रामा कहें या फुल एंटरटेनमेंट, ऐसी ऐसी एंटरटेनमेंट चल रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। एक तो नैले पे दैला, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आज से नहीं कई सालों से ये बात हो रही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप जब तक सही आदमी को सही पोजिशन पे नहीं लगाएंगे यही सिचुएशन होगी। एंटरटेनमेंट चलती रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट में, एक चेयरमैन आएगा दूसरा चेयरमैन जाएगा, फिर एक आएगा फिर वो जाएगा, फिर एक आएगा वो जाएगा, वो अपने लोग लाएगा, तो एक एंटरटेनमेंट की दुनिया चली आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदल गए एक डेढ़ साल के अंदर, आपने खुद देख लिया, कितने कितने सेलेक्टर्स बदल गए, क्या क्या कहानी नहीं हुई, कप्तान एक बार वो बदला फिर वापस आया, तो कहानी है कि एकदम ऐसा लगता है कि कोई ये घर की टीम है, कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, किसी मुल्क की टीम नहीं है, किसी एक इलाके की टीम है, जब चाहा इसको कप्तान बना दिया, जब चाहा इसको वो बना दिया। ये है हमारा हाल और हमारी यही बेइज्जती कि हमने क्या सही, वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए पहले राउंड से। अब क्या ड्रामेबाजी चल रही है कि जनाबे अली क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उन पे तो सुभान जाऊं मैं, क्योंकि इनसे पहले वाली भी ऐसे नेले पे थैला थे, ये भी दूसरे वही है, खुद अपने डिसीजन मेकिंग पता है, कह रहे हैं उनको और ये काम आता नहीं है, उनको ये काम दे दिया गया है और वो कुछ और काम में ज्यादा एक्सपर्ट है, इनकी एक्सपर्टीज इस चीज में है नहीं। तो आप जब इंसान किसी चीज पे लाके बैठा दिया जाता है, उसकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो फिर वो क्या करता है, वो उधर से 25 लोगों को उठाएगा, 5 मार्च उठाएगा, 6 मार्च उठाएगा, करते करते 22 एक्स क्रिकेटर्स की मीटिंग की, उनसे राय पूछी, हाँ भाई क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम का, माशाल्लाह से ये हाल है। और जब इतने सारे लोगों को, यार 22 क्या और भी कितने एक्स क्रिकेटर्स थे उनसे भी मशवरा कर लेते, फिर उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते, तो चले ये आपने कर दिया। अब उसके बाद कहानी क्या हुई कि भैया अब रिपोर्ट आई, गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट दे दी कि जनाब अली और पता नहीं और किस क्रिकेट ने रिपोर्ट दे दी, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि जी शाहीन शाह अफरीदी साहब का एटीट्यूड सही नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी ने ये कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी ने वो कर दिया, वहाब रियाज फारिग हो गए, फिर रज्जाक फारिग हो गए और बाबर आजम बच गए और पता नहीं क्या क्या कहानी चल रही है। तो जो लबो लबाव कहने का ये है कि यहाँ एंटरटेनमेंट हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना ऐसे मजाक बन के रह गई है और इस मजाक के नतीजे में ना हम लोग भुगत रहे हैं और ऐसे ऐसे भुगत रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी मुश्किल हालात में, जहाँ हमारे मुल्क में इतने मुश्किल हालात हैं, ये क्रिकेट ही बची थी जो हमारे पाकिस्तानियों के चेहरे पे, हम पाकिस्तानियों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाती है, खुशियां लाती है जब हमारी टीम जीतती है, लेकिन वो भी छिन गया हमसे। हम न्यूजीलैंड की सी टीम से भी हारे, हम मुसलसल एशिया कप से पिछले साल 2023 के सितंबर से सिर्फ हारते चले आ रहे, इससे पहले वाले कोई और चेयरमैन थे, उससे पहले कोई और चेयरमैन थे, जीत तो हम रही नहीं रहे। हम इस चेयरमैन को भी ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन पिछले चेयरमैनशिप में भी हम हमारे प्लेयर्स आ रहे, उससे भी चेयरमैन में आ रहे, इसका मतलब है क्रिकेट बोर्ड के लोग जो आ रहे हैं वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। दूसरा, प्लेयर्स की अपनी कारकर्दगी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, प्लेयर्स में अपनी लॉबिंग चल रही है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, तो जो खिचड़ी बनी हुई है ना वो टॉप से नीचे तक हर जगह का ये हाल है, मैनेजर कोच हर कोई ये सिचुएशन को लेके चल रहा है, ये हमारा हाल है। अब आगे देखते हैं क्या एंटरटेनमेंट चलती है। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो को बताने का मकसद है ये खिचड़ी है, अभी आपको भी समझ आ रही होगी यार किस तरह की खिचड़ी है, ये खिचड़ी है हमारी टीम की और ये चलती रहेगी और हम एंटरटेनमेंट देखते रहेंगे। हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम एंटरटेनमेंट देखेंगे, क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। पीआर कैंपेन से लेके हर कोई, हर प्लेयर अपनी पीआर कैंपेन चला रहा है, कोई उधर चल रहा हो भाई उसने वर्जिश कर ली, इफ्तिखार ने इधर ये डंबल मार ली, उधर वो डंबल मार ली, अरे डंबल मारने से ग्राउंड का क्या ताल्लुक, उधर बाबर आजम ने 4 नॉक बॉलिंग खेल ली नसीम शाह की, वाह बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा है, उधर वो रिजवान साहब वो तबलीगी जमात के उसमें चले गए, अरे भाई उसका पर्सनल मैटर है, ये मीडिया में चल रहा है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाह वाह देखो कितना माशाल्लाह कितना सुभान अल्लाह कितना इस्लामी बंदा है, अरे होए अच्छी बात है, लेकिन पर इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक, वो एक प्लेयर है, उसकी पर्सनल लाइफ से मोहम्मद रिजवान एज अ पर्सन हमें कुछ नहीं लेना देना, मोहम्मद रिजवान एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर हम उस वक्त बात करें जब यूनिफॉर्म पहने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ जब मैच की छुट्टियां हैं वो जो करे, हाँ वो इफ्तिखार की फिटनेस देखो भाई क्यों डंबले उठा रहे, अरे जी उसको देखो बाबर ने नसीम शाह नॉक कर रहा है, बाबर आजम मर्सिडीज में बैठ के चले आ रहे हैं, ये तो हमारा हाल है। और अच्छा
बेशर्मी की हद ये है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप हारने के बाद, मैंने वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, वो स्टाइल में अपने फोटोग्राफर को साथ रखे हुए हैं और वीलॉग बन रहा है, बाबर आजम एंटर हो रहे हैं अपनी क्या ऑडी बीएमडब्ल्यू जो भी इनकी गाड़ी है, और फिर उस पर वो क्या नाम है वो कदाफी स्टेडियम की जो भी एकेडमी है उसमें अंदर घुस रहे हैं, स्टाइल दिखा रहे हैं। अरे कैसे लग रहा है कि वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पाकिस्तान बाहर हुआ या सुपर एट से पाकिस्तान बाहर हुआ था, ये नहीं बता रहे। बेशर्मी की हद है कि लेवल आप देखें, अच्छा कोई चला गया उधर घूमने, कोई चला गया उधर खेलने। तो ये है इस वक्त की खिचड़ी, आपसे खिचड़ी के बारे में बात करनी थी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट चली आ रही है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।